ये देखिए दोस्तों, घर का बना क्रिस्पी करारी और सुपर टेस्टी पकोड़ा। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। और आज हम एक बैटर से दो तरह के पकोड़े बनाएंगे। आप भी इसे घर में बिना मेहनत के आसानी से बना सकते हैं। हम इसे घर के इंग्रेडिएंट से बनाएं, एक बैटर से दो तरह के पकोड़े बनाने की रेसिपी देख लेते हैं। पकोड़ा का बैटर बनाने के लिए हम लेंगे एक बर्तन, उसमें डालेंगे हमें चाहिए 3 चम्मच बेसन, और पकोड़ा को क्रिस्पी और क्रंची बनाने के लिए इसमें डालेंगे 1 चम्मच चावल का पाउडर, और डालेंगे 1/2 चम्मच से भी कम हल्दी। ये हल्दी का पाउडर हमने ऐड किया, स्वाद अनुसार नमक। पहले हम सभी ड्राई इंग्रेडिएंट को मिला लेंगे। हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका बैटर बना लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका बैटर बना ले। हमें बैटर बनाते समय अच्छे से इसे मिलाना है ताकि इसमें एक भी लम्स ना रहे। अब आप इसी तरह कम पानी में ही पहले बैटर को अच्छी तरह से मिलाएं, उसके बाद हम थोड़ा और पानी ऐड करेंगे। ये देखिए, इसी तरह आप भी मिलाएं जिससे बैटर में एक भी लम्स ना रहे। ये देखिए, बैटर में लम्स नहीं है। हम इसमें और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। और फिर से एक बार सभी को मिला लेंगे अच्छे से। ये देखिए, बैटर हमारा बन गया है। हमें इसे इतना ही थिक रखना है। बैटर में इस टाइम पे हम लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। इसमें 1/2 चम्मच से भी कम भुना हुआ धनिया पाउडर ऐड करेंगे। इससे पकोड़े में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। इसे भी मिला लेंगे। यहां मैंने सभी इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसे ढककर 5 मिनट के लिए सेट होने देंगे। बैटर हमारा सेट हो रहा है, तब तक हम आलू और बैंगन के स्लाइसेस कट कर लेते हैं। आलू को हम पहले छील लेंगे। आप भी इस तरह पहले आलू को छील लें, उसके बाद हम इसके पतले पतले स्लाइसेस कट करेंगे। ये देखिए, यहाँ मैंने आलू को अच्छे से छील लिया है। अब हम इसका पतले पतले स्लाइसेस कट करेंगे। ये देखिए, इस तरह आप पतले पतले स्लाइसेस कट करें। ये देखिए, इस तरह आप भी सभी स्लाइसेस को कट कर लें। ये देखिए, इस तरह से आप चाकू से पतले पतले स्लाइसेस कट कर सकते हैं। इस तरह से आप घिस करके इसका पतले पतले स्लाइस में भी कट कर सकते हैं। इससे भी बहुत अच्छा हमारा आलू का स्लाइसेस कट के तैयार होता है। ये देखिए, आपको जैसा
इजी लगे आप उस तरह से कट कर लें। तो दोनों तरह से कटे हुए आलू के स्लाइसेस को एक प्लेट में ले लेंगे। अब हम चाकू से बैंगन को कट कर लेंगे। हमें बैंगन के भी पतले पतले स्लाइसेस कट करना है। इस तरह से आप कट करें। इवनिंग स्नैक में इजीली बना सकते हैं। ये देखिए हमने सभी स्लाइसेस को कट कर लिया है। ये देखिए 5 मिनट हो गया है, बैटर हमारा सेट हो गया है। हम इसे थोड़ा सा और मिला लेंगे ताकि इक्वली बैटर मिल जाए। आप देख ले, अगर आपका बैटर थिक हो गया है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें। यहाँ हमारा बैटर बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हुआ है। बैटर पकोड़ा बनाने के लिए रेडी है। हम इसमें कटी हुई धनिया पत्ता ऐड करेंगे और इसे भी मिला लेंगे। आपके पास भी अगर धनिया पत्ती हो तो ऐड करें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। पकौड़ा बनाने के लिए यहाँ हमने पैन में कुकिंग ऑयल लिया है। ऑयल को अच्छी तरह गर्म होने दें। बैटर में चुटकी भर मीठा सोडा ऐड करेंगे। बेकिंग सोडा को भी अच्छे से मिला लेंगे। पकोड़ा बनाने के लिए हम बैगन को इस तरह बैटर में डिप करेंगे और हम इसे इस तरह गरम ऑयल में फ्राई होने के लिए देंगे। इसी तरह बैगन के सभी स्लाइसेस को बेसन में अच्छी तरह कोट करके फ्राई करेंगे। इसे मीडियम फ्लेम पे आप फ्राई करें ताकि बैगन कच्चा ना रहे और वो अच्छी तरह से पक जाए। हम इसे पलट देंगे। हम पकोड़े को दोनों तरफ से गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। हम पकोड़ा इसे फ्राई हो गया है दोनों तरफ से गोल्डन कलर, हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह हम आलू का भी पकोड़ा बना लेंगे। आलू के भी पतले पतले स्लाइसेस बैटर में डालकर इसे अच्छी तरह बैटर से कोट कर ले। हम इसे ऑयल में देंगे। इसी तरह हम सभी आलू के भी पतले पतले स्लाइस को ऑयल में ऐड करते जाएंगे। आप भी इसी तरह सभी आलू के पकोड़े को पलट दें। इस तरह आलू के पकोड़े बनाने से आपके पकोड़े एकदम फुले फुले और क्रिस्पी क्रंची बनके तैयार होंगे। तो आप भी अपने घर में इस तरह के पकोड़े जरूर बनाएं। ये देखिए आलू के पकोड़े भी हमारी अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होकर, इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। पकोड़े से हम एक्स्ट्रा ऑयल को निकाल देंगे। हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा एक बैटर से दो तरह के पकोड़े बनके तैयार है। आप भी अपने घर में इसी तरह पकोड़े बनाएं। मैंने इसे चटनी और हरी मिर्च के साथ सर्व किया है। आप इसे अपनी पसंद की चटनी के साथ सर्व करें। आपको मेरी रेसिपी अच्छी और हेल्पफुल लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।